15 अगस्त 2024 को जहां भारत एक तरफ अपना 78th इंडिपेंडेंस डे मनाने की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया जाता है। ये घटना अपने आप में काफी बड़ी और काफी घिनौनी होती है और साथ में मीडिया में बढ़ चढ़कर इस घटना के बारे में जिक्र भी होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि रूलिंग गवर्नमेंट TMC वो बैकफुट पे आ जाते हैं और ये काफी सुनहरा मौका मिल जाता है ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जहां पे वो सड़कों पे उतर के इस बात के ऊपर कम फोकस करते हैं कि जो घटना घटा उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन था, बल्कि उनका ध्यान रहता है कि किसी भी तरीके से TMC गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए और मुख्यमंत्री के सामने रेजिग्नेशन का डिमांड रखा जाए। यहां पे एक बात मैं बहुत ही साफ कह दूं कि मैं किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा हूं, बल्कि यहां पे जो कहने का मतलब है वो ये है कि जिस तरीके से ओपोजिशन पार्टी सड़कों पे उतरते हैं और ममता बनर्जी को रिजाइन देने के लिए कहते हैं, अगर आप उन्हीं सब पॉलिटिकल पार्टीज जिस स्टेट्स में रूल कर रहे हैं, अगर आप उनके वहां का क्राइम का डेटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो घटना वेस्ट बंगाल में घटा है ऑलमोस्ट वैसा ही घटना आपको बिहार में देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा, त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि किसी चीज में रिपोर्टिंग या अटेंशन काफी मिल जाता है और किसी चीज में उस हिसाब से अटेंशन नहीं मिलता है। तो जो हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो उसी मुद्दा में घुसते हैं जहां पे अटेंशन खूब सारा मिल रहा हो। अब क्योंकि ममता बनर्जी अपने आप को एक बहुत ही नॉर्मल सा पॉलिटिशियन शो करती है, तो इसलिए इनको भी कहीं ना कहीं ये दिखाना था कि ये जो घटना घटा है इनसे ये काफी दुखी है और इन सब क्राइम को ये किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं करेंगी। तो इन्हीं सबको देखते हुए वेस्ट बंगाल सरकार कुछ नियम के साथ आते हैं जिसमें किसी भी तरीके से अगर ये प्रूफ हो जाता है कि रेप या गैंग रेप हुआ है और उसमें जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं उनको डेथ पेनल्टी से कम मिलना ही नहीं चाहिए। अब यहां तक सुन के तो काफी अच्छा लग सकता है कि किसी भी तरीके से अगर कोई इस तरीके का घिनौना अपराध करता है तो उसे डेथ पेनल्टी तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन एक बात आप यहां पे भूल रहे हैं कि ममता बनर्जी भी काफी एक मंझी हुई पॉलिटिशियन है जिनको कि सिस्टम का लूप होल का इस्तेमाल करना बखूबी आता है, क्योंकि भारत में अब इंडियन पिनल कोड रिप्लेस होके भारतीय न्याय संहिता हो गया है। तो इसी BNS में वेस्ट बंगाल सरकार कुछ अमेंडमेंट या चेंजेस लाने की बात का जो प्रपोजल है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ध्यान रखिएगा ये अब तक बिल है, ये अब तक एक्ट नहीं हुआ है और जिस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और पास किया गया है वेस्ट बंगाल असेंबली में उस बिल का नाम है अपराजिता। साथ में एक बिल एक्ट तभी बनता है जब उस बिल के ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर होता है या प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, क्योंकि ये जो चेंजेस बताया गया है करने के लिए ये बताया गया है भारतीय न्याय संहिता में, तो यहाँ पे जो रोल हो जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी का हो जाता है। तो कहने का मतलब है क्योंकि जो अपराजिता बिल है वो वेस्ट बंगाल असेंबली में उसे पास हुआ है तो अभी उसे राष्ट्रपति के पास जाना है और इस जो पूरे प्रोसेस है इसमें अपने आप में काफी सारा कॉम्प्लिकेशन है। ये कॉम्प्लिकेशन अपने आप में इतना ज्यादा है कि जो लॉ एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि ये लमसम कुछ वैसे ही है जैसे कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ होते हैं। अगर इसको हम एग्जांपल की मदद से समझना चाहें तो BNS का सेक्शन 64 जिसमें जो क्लॉज है वो ये कहता है कि जो रेप कॉन्विक्ट है उसको कम से कम 10 साल की सजा मिलेगी और वो जो क्राइम किया है या उस क्राइम का जो ग्रेविटी है उसके हिसाब से उसको लाइफ टर्म यानी कि जो आजीवन कारावास है वो मिलेगा। लेकिन जो बिल में इंट्रोड्यूस किया गया है बंगाल सरकार के द्वारा उसमें ये कहा गया है कि किसी भी तरीके से जो रेप कॉन्विक्ट रहेगा उसको 10 साल की सजा नहीं मिलेगी बल्कि वो आजीवन कारावास में ही रहेगा और डिपेंड करता है उसके क्राइम के ग्रेविटी पे तो उसके हिसाब से उसे डेथ भी मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सबसे मिनिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट है और जो मैक्सिमम है वो डेथ। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि आप कुछ ऐसे अपने प्रपोजल या डिमांड को रखिए जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि कभी ये फुलफिल हो ही नहीं सकता है। तो चाहे भारतीय न्याय संहिता हो गया या पॉस्को एक्ट हो गया, इन सब में जिस तरीके से चेंजेस बताया गया है बंगाल सरकार के द्वारा, ये उनको भी पता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है यानी कि BJP और इनके जो अलायंस है वो इनका डिमांड को कभी भी नहीं मानेंगे। और अगर आप आज के बारे में बात करें तो BJP और TMC के बीच में संबंध बेहद खराब है। किसी भी तरीके से अगर BJP TMC का डिमांड को मान लेंगे तो TMC एज एन विनर निकल के आएंगे, जहां पे ममता बनर्जी ये बोलेंगे कि वो किसी भी तरीके से गैंग रेप या इससे संबंधित जो क्राइम होता है उसको कभी भी वो टॉलरेट नहीं करेंगी।
तो कहने का मतलब है कि उनका जो एक पब्लिक इमेज बनेगा वो लार्जर देन लाइफ बन जाएगा, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से डर्टी पॉलिटिक्स खेला जाता है, जहां पे जो असल क्राइम हुआ है, वायलेंस हुआ है, उसके ऊपर बात नहीं किया जा रहा, बल्कि ये देखा जा रहा है कि जो अपकमिंग इलेक्शन है वहां पे इन सब मुद्दों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और किस तरीके से एक दूसरे को कमजोर और इनसेंसिटिव दिखाया जाए। क्योंकि भारत में जो क्रिमिनल लॉ होता है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट में आता है मतलब, तो किसी भी तरीके से अगर क्राइम संबंधित नियम कानून में कोई फेरबदल होता है तो वहां पे स्टेट और सेंटर दोनों को एक साथ आना होता है, और जिसमें जो सेंटर होते हैं उनको एक अपर हैंड मिलता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो अपराजिता बिल को पास किया गया है वेस्ट बंगाल असेंबली में, यहाँ पे गवर्नर का भी सिग्नेचर लगेगा और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका भी सिग्नेचर लगेगा। तो लमसम आप इसको कुछ इस तरीके से समझ ले कि प्रोसेस अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें वक्त भी काफी लगेगा। तो चांसेस यहाँ से भी काफी हाई बनते हुए दिख रहे हैं कि ये मामला स्लोली एंड ग्रेजुअली ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और अगर आप इस पूरे इंसिडेंट के बारे में अगर आप पढ़ना भी चाहेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस घटना में आपको एक के बाद एक नाम सामने आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे एक चीज तो आपको लगेगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके पीछे कहीं ना कहीं जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उनका एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हर जो इन्फ्लुएंशियल पोजिशन पे होते हैं वो गवर्नमेंट यही करते हैं कि अपने जो फेवरेट लोग होते हैं उनको वहां पे बैठा दिया जाता है। और ये बात सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है, बल्कि ये बात ऑलमोस्ट भारत के सभी स्टेट्स में है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। और जहां तक बात किया जाए क्राइम रिलेटेड या वायलेंस रिलेटेड नियम कानून के बारे में, तो भारत में जितने भी नियम कानून है वो अपने आप में काफी सफिशिएंट है, जहां पे अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर सही से काम करेंगे तो जो क्रिमिनल्स है उनका जो मोराल है वो टूटेगा। और अगर आप खास करके अगर आप इसी इंसिडेंट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपको यहां से एक चीज भी समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी और भी वैसे पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके संबंध टीएमसी के साथ अच्छे नहीं है, वो सड़कों पे प्रोटेस्ट के नाम पे वायलेंस कर रहे हैं, और उस वायलेंस में जो नुकसान है वो डेफिनेटली जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका ही नुकसान है। चाहे हमारे जो रेस्लर्स हैं उनका जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देख लें, या रिसेंट कुछ इंसिडेंट्स बिहार में हुए उसके बारे में देख लें, तो इन सब के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। और इनफैक्ट जो हमारे पीएम मोदी भी रहते हैं वो भी काफी लमसम तरीके से बात करते हैं, और वो भी उन्हीं सब स्टेट्स के एग्जाम्पल को लेते हैं जिस स्टेट में उनकी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में नहीं है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।